नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा आठवीं में जो पद्य है पांच, वह दोहरे है, तो दोहरे आज हम दोहे देखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकालिए और उनमें से पेज नंबर 28 पे जो पांच नंबर का दोहे है वह निकालिए। उनमें देखिए ये दोहे कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी ने दिए हैं। उनके कवि है कबीर, रहीम और तुलसीदास। तो आइए हम लोग यहाँ पे उनका परिचय देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी ऐसी है वैसी बातें उन्होंने बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, दान देना, संतोष जो अपनी जो इच्छा पूर्ति है उनका संतोष, समानता सबको समान देखना, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। इस दोहरे में रहीम जी, तुलसीदास जी और कबीर जी ने हमें हमारा जो जीवन मूल्य है उनको निर्देशित यानी के दृष्टिकोण किया गया है। तो आइए देखिए कबीर जी के बारे में। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं, वह 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारे हैं और दोनों को हिलमिल कर रहने का उद्देश्य दिया है। जो कबीर जी है वह 15वीं शताब्दी में हुए कवि है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जो उन्होंने जातिवाद के लिए जो गलतियाँ की है उनके लिए उन्होंने फटकार लगाते हुए उनको हिल मिलकर यानी के साथ मिलकर रहने का जो उद्देश्य है वह दिया है। आपका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। वह बड़े उदार और उन अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। उन्होंने जो हमको बोध मिले ऐसे दोहे उन्होंने हिंदी में लिखे हैं। तो रहीम जी ने। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आपको यह पूछा जाए कि रामचरित मानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा। वह कौन सी शताब्दी के कवि थे? तो 16वीं शताब्दी के कवि थे और एक राम भक्त भी थे। अब देखते हैं हम कबीर जी के दोहे। साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु भी भूखा न जाए। साईं यानी भगवान, यहाँ पे भगवान ईश्वर। तो यानी के भगवान इतना दीजिए जहाँ में यानी जिसमें, भगवान इतना दीजिए कि जिसमें कुटुम समाए यानी के हमारा परिवार, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। मैं भी भूखा न रहूं यानी के मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए और मैं भी उनमें भूखा न रहूं और मेरे घर जो साधु संत यानी कोई भी व्यक्ति मेरे घर आए वह भी भूखा न जाए। इतना ही मुझे दीजिए, उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरा। बिना बिचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनों जग में होत हसाए।
बिना विचार है, यानी कि जो विचार किए बिना ही, सोचे समझे बिना ही जो कार्य करता है वह पछताता है, उनका कार्य बिगड़ जाता है तो वह पछताते हैं, और पछताने के बाद में वह पछताता तो है लेकिन बाद में जग में यानी के दुनिया में हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए कोई भी कार्य हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू दे काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा, यानी के दुनिया में खड़ा, मांगे सबकी खैर, एटले सबकी से खैर यानी सबकी सलामती, मैं बाजार में यानी दुनिया में खड़ा सबकी सलामती मांगता हूँ, सबसे दोस्ती करता हूँ, दोस्ती मांगता हूँ, किसी से बैर नहीं रखता। इसलिए हमको यह दोहरे से हमको सीख मिलती है कि हमको सबकी अच्छाई, अच्छा करने की अच्छाई हमको मांगनी चाहिए, किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रहीम जी, रहीमन वे नर मर चुके, वे कहू मांगने जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख किसत नाही, निकसत नहीं। यानी कि जो रहीम जी मानते हैं कि जो नर, जो व्यक्ति मर चुके हैं, वह व्यक्ति मर चुके हैं जो भीख मांगते हैं, जो अपने कार्य से सफल नहीं बनते लेकिन भीख मांगने जाते हैं, वह व्यक्ति मर चुके हैं। और उनसे पहले तो वह मर चुके हैं जो वह भीख मांगने जाए और भीख भी न दे, जो भीख न दे वह उनसे पहले मर चुके हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। भुजंग यानी साप, कुशंग यानी दूर संगति, चंदन एटले चंदनु वृक्ष, विष यानी जहर, व्यापत यानी व्यापत प्रकृति। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो उत्तम व्यक्ति, उत्तम प्रकृति न व्यक्ति होए, बुद्धिमान व्यक्ति होए, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुसंगति यानी बुरी संगति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चंदन, आपने सबने चंदन का वृक्ष देखा है, चंदन का एक सुगंध देता है, तो वह चंदन के वृक्ष पर जैसे विष यानी के भुजंग यानी सांप, चंदन के वृक्ष पर जो सांप लिपटे रहते हैं तो उस चंदन के वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी महक नहीं छोड़ता, वहाँ पे सांप का जो विष है वह उसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सांप उनसे लिपटा रहे तो। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उच्चम एकदम उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी संगत में रहने से उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा सब कहे, लाख टपा मेरो मोल। यानी बड़ाई ना करे, जो बड़े व्यक्ति होते हैं वह अपने बढ़ाई का गुणगान नहीं करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, वे अपनी बढ़ाई का मोल नहीं लगाते। जैसे हीरा अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह फिर भी उनकी कीमत लाखों में होती है।
वैसे ही व्यक्ति अपनी खुद की बड़ाई नहीं करता, लेकिन उनके गुण होते हैं, वह उन गुण के कारण उसकी गिनती होती है। आवत हित हर्षे नहीं, नैनन नहीं नसे है, तुलसी वहाँ न जाए, कंचन बरसे मेघ। यहाँ इस दोहे से तुलसी जी ने कहा है कि जहाँ हमारे इज्जत की नहीं जाए, वहाँ पे भले ही सोना बरसे, वह जो घर में हमारी जो हर्ष यानी के खुशी से आग आग खुशी से वहाँ हमारा स्वागत नहीं होता, जिसके नैनन में यानी के आँख में स्नेह यानी के प्रेम, जिसकी आँख में प्रेम नहीं बरसता हमको देखकर, उस घर में जाना हमारे लिए व्यर्थ है। भले ही उस घर में कंचन यानी सोना बरसता हो, लेकिन वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जिस घर में हमें प्रेम और प्रेम नहीं मिले, उस घर में हमें नहीं जाना चाहिए। कंचन यानी सोना, मेघ यानी बारिश बरसना, नैनन यानी आँख, हर्ष यानी आनंद। विद्या धन उत्तम बिना कहो जो पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जो पंखा की पौन। यहाँ पे पौन यानी पवन, पौन शब्द दिया गया है यानी उनका अर्थ होता है पवन। विद्या धन उद्यम बिना यानी के मेहनत बिना, मेहनत किए बिना हमको विद्या की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बिना पंखे हिलाए यानी के पंखा, जो हमारे घर पे पंखा होता है तो पंखा जो हिलता है तभी उनका पवन होता है, वह हमको मिलता है। वैसे ही बिना पंखे चलाए हमको पवन भी नहीं मिलता, तो विद्या अभ्यास करे बिना हमको कैसे उत्तम विद्यार्थी बनने का जो प्रयास है वह कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा तुलसीदास जी का जो दोहरा है उनका अर्थ है। अब आप यहाँ पे हमारा जो दोहरा है वह समाप्त होता है, तो आप यह दोहरा घर पे उनका भावार्थ लिखेंगे और उनका जो भावार्थ है वह आप कॉपी में लिखेंगे, फिर बाद में हमको दिखाएंगे। बाकी का जो हमारा बाकी रह गया है अधूरा अभ्यास, वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अष्टू।